आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी खबर आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने लिया क्रॉप कटिंग का जायजा। आपको बता दें कि भागलपुर नवगछिया तेतरी पंचायत में गेहूं की तैयार फसल की क्रॉप कटिंग का आकलन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी रवि रंजन राकेश के द्वारा किया गया। वहीं किसान गुंजेश चौधरी के खेत में क्रॉप कटिंग की जा रही थी। बता दें कि क्रॉप कटिंग का आकलन प्रति हेक्टर 43 क्विंटल किया गया। वहीं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी रवि रंजन राकेश ने बताया कि वैसे किसान जिनका निबंधन बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत होता है, वैसे किसानों को अगर उत्पादन में क्षति होती है तो सहकारिता विभाग द्वारा वैसे किसानों को मुआवजा दिया जाता है। वहीं इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सरीना आजाद, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी राकेश कुमार, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी अफाक अंसारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी विजय कुमार, कृषि कोऑर्डिनेटर पीयूष कुमार, पंकज कुमार सिंह, किसान सलाहकार गौतम कुमार, दीनानाथ झा, भाजपा मंडल अध्यक्ष बबलू चौधरी समेत अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे। गुंजेश कुमार चौधरी किसान थे और इनका प्लॉट संख्या था 1997। यह क्रॉप कटिंग 10x5 मीटर में कराया गया, जिसका उत्पादन कटने के उपरांत 21.300 ग्राम प्राप्त हुए, जो आपको प्रति हेक्टेयर 43 क्विंटल के आसपास हासिल किया गया। इसे कब कैसे ये किया जाता है, क्या योजना है इसका सरकार का? क्रॉप कटिंग का जो कार्य जो कराया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि फसल दर का आकलन, उपज का आकलन इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और दूसरी बात कि जो किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत निबंधित होते हैं, यदि उनके उत्पादन में किसी प्रकार की क्षति होती है तो वैसी स्थिति में सहकारिता विभाग द्वारा उनका मुआवजे का भुगतान किया जाता है। और कोई योजना है किसान के लिए? नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है, उपज दर का आकलन और खाद्य नीति के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। क्रॉप कटिंग में कौन लोग थे जो क्रॉप कटिंग में कर रहे थे, कौन कौन लोग? क्रॉप कटिंग में जनरल जिला से हम थे, मेरे अवर सांख्यिकी पदाधिकारी थे और प्रखंड से प्रखंड विकास पदाधिकारी के अलावे संबंधित किसान सलाहकार, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी और अन्य कृषि समन्वय और अन्य ग्रामीण मौजूद। सर, उनके नाम परिचय दे रहे हैं। मेरा नाम रवि रंजन राकेश हुआ। भागलपुर से श्याम सिंह की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप बने रहें लोकल टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।